व्हाट्स अप माई लवली फ्रेंड्स, होप यू गैज आर डूइंग फैंटास्टिक टुडे। दोस्तों, सोनी की ऑटो फोकस सेटिंग बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो सकती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी अभी सोनी अल्फा कैमरा खरीदा है। और इसीलिए इस टॉपिक पे मैं पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूँ, लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप वीडियो मोड में जबरदस्त ऑटो फोकस परफॉर्मेंस अपने कैमरा से ले सकते हैं। हो सकता है कि जो ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसमें से कुछ ट्रिक आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ ट्रिक्स आपको कम्प्लीटली न्यू लगे। बट एक बात तय है, अगर आप इन सेटिंग्स को ठीक से समझ लेंगे तो आपको अपने वीडियो में कभी भी ऑटो फोकस की दिक्कत नहीं आएगी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में डेमोस्ट्रेशन के लिए मैं अपना सोनी A6400 कैमरा यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये सेटिंग सोनी के सारे मॉडल्स में काम करेंगी। सिर्फ एक टच ट्रैकिंग वाली सेटिंग छोड़ के, जो कि सिर्फ A6500, A6400 और इसके बाद जितने कैमरे आए उनमें काम करेगी। तो लेट्स स्टार्ट। आप जब भी वीडियो रिकॉर्ड करें हमेशा AFC मोड यूज़ करें, मैनुअल ना यूज़ करें। और मैनुअल अगर यूज़ करना हो तो आप तभी करें जब आपके लेंस में ऑटो फोकस सपोर्ट ना करता हो, या फिर आप कोई ऐसा शॉट लेना चाह रहे हैं जो ऑटो फोकस में अच्छा काम नहीं करेगा और मैनुअल फोकस में ही अच्छा काम करेगा। जैसे कि इस टाइप के शॉट, अगर इस टाइप के शॉट्स में आप ऑटो फोकस यूज़ करेंगे तो आपका ऑटो फोकस जो है वो इस शॉट में के बीच में ही जंप कर जाएगा और जो बहुत ही ख़राब लगेगा। हमारे कैमरे में एक AF-MF कंट्रोल टॉगल का ऑप्शन होता है और वो आप किसी कस्टम बटन में असाइन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे A6400 यूज़ कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पे ऑलरेडी एक MF-AF टॉगल का ऑप्शन दे रखा है। बट अगर आप कोई और मॉडल यूज़ कर रहे हैं तो आप कोई भी एक कस्टम बटन चुन के उसमें ये कंट्रोल टॉगल वाली सेटिंग को आप असाइन कर सकते हैं। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आपको AFC मोड से मैनुअल मोड में आना हो, आप बटन दबाएंगे झट से आप मैनुअल मोड में जाएंगे, और वापस से AFC मोड में आने के लिए आपको सिर्फ बटन दबाना पड़ेगा, कोई मेन्यू में अंदर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टच फोकस वाली सेटिंग के अंदर जाके आप ये टच ट्रैकिंग सेलेक्ट करिएगा। इससे क्या होगा कि आप पूरी स्क्रीन में जहाँ पे भी किसी भी अपने सब्जेक्ट को टच करेंगे फोकस करने के लिए, आपका कैमरा ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट को ट्रैक करना शुरू कर देगा, भले ही आपका सब्जेक्ट एक जगह खड़ा हो या मूव कर रहा हो। और ये सेटिंग गिम्बल वर्क के लिए भी बहुत बढ़िया काम करती है। अब दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हमको किसी बिल्डिंग को दिखाना होता है शॉट में, या किसी कार का शॉट ले रहता है, और उसमें जैसे ही लोग सामने आते हैं हमारा कैमरा बिल्डिंग या कार को छोड़ के उनके फेस ट्रैक करना शुरू कर देता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपने फंक्शन मेन्यू जो FN बटन दबाने से आता है, इसमें किसी भी एक पोजिशन पर अपना फेस डिटेक्शन वाला जो सेटिंग है उसका सिस्टम यहाँ पे ऐड कर लें, ताकि आप जल्दी से उसको ऑन ऑफ कर पाएँ। अब जब भी आपको किसी ऐसी चीज़ पे फोकस करना है जो ह्यूमन नहीं है, जिसका फेस नहीं है, तो आप इसको ऑफ कर दीजिए। उससे अगर कैमरा के सामने से लोग निकलेंगे तो कैमरा का फोकस उनके फेस पे जंप नहीं करेगा। मेरी वीडियो में अक्सर ये कॉमेंट्स आते हैं कि कौन सा बेस्ट फोकस एरिया है वीडियो मोड के लिए। सो दोस्तों, वीडियो मोड के लिए जो बेस्ट फोकस एरिया है वो है वाइड। वाइड में आपके पूरे स्क्रीन पे फोकसिंग पॉइंट रहते हैं और कैमरा पूरी स्क्रीन पे फेस को ट्रैक कर सकता है। दोस्तों, हमारे कैमरा में एक AF ट्रैकिंग सेंसिटिविटी का ऑप्शन होता है। ये क्या करता है कि ये आपके कैमरा को बताता है कि जब आपका कैमरा किसी सब्जेक्ट पर फोकस कर रहा होता है और बीच में से कोई दूसरी चीज़ निकलती है, तो कैमरा कितनी जल्दी से आपके सब्जेक्ट से फोकस हटा के उस पर फोकस करे। अब ये कई तरह की चीज़ों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ मेरे ख्याल से, लेकिन बाकी सारे सिनेरियों में ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। तो अगर आप कोई इस तरह की वीडियो शूट कर रहे हैं, जैसे कि इंटरव्यू वाला सिनेरियो जिसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो इसको आप स्टैंडर्ड पे रखें। और जो रिस्पॉन्सिव सेटिंग है वो आपके एक्शन वाले सिनेरियो के लिए काम में आ सकती है, जैसे कि गिम्बल वर्क हो गया आपका, या फिर कई बार यूट्यूब की वीडियो शूट करते हैं जो लोग प्रोडक्ट वगैरह प्रोडक्ट से रिलेटेड, और वो कई बार प्रोडक्ट को उठा के ऐसे स्क्रीन पर दिखाते हैं, तो उनके लिए भी ये सेटिंग बहुत यूज़फुल हो सकती है। दोस्तों, हम अपने कैमरा में ऑटो फोकस मोड में भी सिनेमैटिक तरीके से फोकस को पुल कर सकते हैं। इसके लिए हमको ड्राई स्पीड सेटिंग में जाना है और यहाँ पे जाके आपको फास्ट या नॉर्मल में से कोई एक ऑप्शन चुन लेना है। स्लो को हम छोड़ देंगे, क्योंकि स्लो इतना स्लो है कि आपको लिटरली नींद आ जाएगी, लेकिन आपका फोकस पूरा पुल नहीं हो पाएगा। सो दैट्स इट, आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आई होप आपको ये टिप्स मेरी यूजफुल लगी होंगी। और अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और जल्दी मैं आपको अगली वीडियो लेके मिलता हूँ, तब तक आप इन्जॉय करिए, अपना ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू सून। बाय बाय।